हेलो, कैसे हो आप लोग सब? यकीनन आप लोग ठीक होंगे और मैं हूँ सहमत। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ चिकन मलाई बोटी। चिकन मलाई बोटी के लिए मैंने यहाँ पर चीज़ें ली हैं। एक कटोरी दही, 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, और 1 कटोरी मैंने मलाई ली है, और 2 चम्मच मैंने हरी मिर्ची ली है, और 1 चाय का चम्मच मैंने काली मिर्ची ली है, 1 चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है, और 1/2 चाय का चम्मच मैंने हल्दी ली है, और 1/2 चाय का चम्मच मैंने ज़ीरा पाउडर। और अब हम शुरू करते हैं। और ये जो मैंने मसाले रखे हैं ये ऐड करूंगी बीच में, और योगर्ट डाल देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने रखा है वो डालेंगे, क्रीम डालूंगी, हरी मिर्ची। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैरिनेट करके रख देंगे। ये पैन हमने ऊपर रख दिया है और ऑयल हमने 1/2 कप डाल दिया है, और ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, और अब हमारे ये 10 से 15 मिनट हो गए जो मैरिनेट करके रखा था। अब हम इसको इसके अंदर डाल देंगे। और अब इसको हमने सारा डाल दिया इसमें चिकन, और इसमें पानी नहीं ऐड करना, और ये दही के पानी से ही चिकन हमारा गल जाएगा। उसको हल्की हल्की आंच पे हम बनाएंगे। अब इसको हम कवर करके रख देंगे 10-15 मिनट के लिए। 10-15 मिनट के बाद हम देखेंगे। अब हम देखते हैं ढक्कन हटाकर हमारा चिकन रेडी हो चुका है, योगर्ट का पानी भी ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी मलाई बोटी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही उम्दा नज़र आ रही है, और मेरे बच्चों को पूड़ी के साथ मलाई बोटी बहुत ही पसंद है। अगर आप लोग के बच्चों को पूड़ी के साथ पसंद है तो पूड़ी के साथ बना के दें, नहीं तो नान के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी बहुत टेस्टी लगेगी, और आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना, और शेयर और लाइक ज़रूर करना। और तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ, फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो पर। खुदा हाफिज़।